फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने Paytm से मोबाइल फ़ोन को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे उसमें आपको टॉपअप डालना हो या फिर नेटपैक डालना हो, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। और उससे आपको कैशबैक कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, और इसमें सारे प्लान्स की डिटेल्स और आपको इसमें प्रोमो कोड को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब तक मैंने पेटीएम की सीरीज़ में आपको 5 चीज़ें सिखाई हैं, जिसमें मैंने बताया है कि पेटीएम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेटीएम पे मिनी केवाईसी कैसे करते हैं, पेटीएम पे फुल केवाईसी कैसे करते हैं, पेटीएम वैलेट में पैसों को कैसे ऐड करते हैं, और पेटीएम वैलेट के पैसों को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपको ये 5 वीडियो सीखनी है या फिर ये आपको देखनी है, तो इनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा, आप वहां से जाके इजीली इसे सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेटीएम की जो एप्लीकेशन है, हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर ली है। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले इसमें कैशबैक के बारे में बता दूं कि हम कहाँ से चेक करते हैं। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है इसमें और सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैशबैक एंड ऑफर्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें भी हमें स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट ऑफर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये नीचे ये ऑप्शन है रिचार्ज बिल का, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट अप टू 100 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट रिचार्ज पे बिल बिफोर 31 मई 2021। मतलब अगर आप 31 मई 2021 से पहले कोई भी रिचार्ज करते हैं या किसी बिल को पे करते हैं, तो आपको ये 100 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट यहां से मिल जाते हैं। एक तो ये तरीका है आपको कैशबैक चेक करने का, ऑफ़र्स जो भी हैं इसके। उसके बाद यहां से बैक कर देंगे, सारा बैक करके होम पेज पे आ जाएंगे। इसमें स्क्रॉल अप करेंगे और अब मैं आपको मोबाइल रिचार्ज करना बताता हूँ। यहाँ पे ये रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें आपको यहाँ पे ये मोबाइल पहला ही ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप चाहें तो ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ये आपके कॉन्टैक्ट्स का होता है, आप इस पर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इस पर एंटर मोबाइल नंबर जहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मैं जल्दी से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट करने के लिए बोलेगा कि आप कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आप जितने से भी रिचार्ज करना चाहते हैं वो यहाँ पे अमाउंट डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सी प्लान्स का, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑफर्स फॉर यू है, 598 का है। इसमें आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं इसमें सभी नेटवर्क्स पर, लोकल और STD, ठीक है। और इसमें 599, 399, इस तरीके के यहाँ से ऑफ़र हैं। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें पॉपुलर लिखा हुआ है, ये पॉपुलर्स होता है, जैसे 28 दिन का है, 2 GB डाटा मिलेगा इसका, 149 रुपये का है। ऐसे इसमें काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी भी बताएगा। यहाँ पर क्रिकेट प्लान्स भी हैं। उसके बाद आपका ये डाटा एड ऑन है, आपको सिर्फ डाटा चाहिए तो आप इनमें से कोई प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लान्स दे रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको अगर टॉपअप ही चाहिए तो आप यहाँ से टॉपअप भी अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हैं। और ये आपके रोमिंग पैक्स हैं, अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो आप इनमें से पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पैक्स हो गए यहाँ पर। उसके बाद
जैसे मुझे यहाँ पे अभी रिचार्ज करना है 3 मंथ का, मैं करता हूँ 84 दिन वाला। ये हम रीड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लान आ गया, 84 दिन के लिए होता है, तो मुझे यही चाहिए। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन आ रहा है सी बैंक ऑफर्स एंड प्रोमो कोड्स, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं ये एक प्रोमो कोड है, इसमें गेट ए स्क्रैच कार्ड अप टू 1000 वर्थ, मतलब आपको 1000 रुपये तक का यहाँ पे रिवार्ड मिल सकता है स्क्रैच कार्ड के थ्रू रिचार्ज करने पे और मोबाइल पोस्ट पेड बिल पेमेंट करने पे, ठीक है। और इसमें और डिटेल्स, ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है लिमिटेड पीरियड का ऑफ़र है, यू नीड टू अप्लाई द प्रोमो कोड्स, आपको प्रोमो कोड में रिवार्ड्स 1000 लिखना है, और उसके बाद ये कैशबैक कुछ मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। ये सारा देख दिया हुआ है इसमें, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप इसे पूरे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रोमो कोड जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे रिवॉर्ड्स, कैपिटल में ही लिखेंगे रिवॉर्ड्स 1000, ठीक है। या आप यहाँ पे ना लिख के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये अप्लाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक इसमें लग गया रिवार्ड्स 1000 अप्लाइड, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पेटीएम में इतना बैलेंस है और मैं UPI से करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया और ये कैशबैक भी मिला है हमें यहाँ से। तो यहाँ पे ये कैशबैक का जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ये ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रैच कार्ड मिले हैं हमें दो, इस वाले पे क्लिक करते हैं और इसे स्क्रैच कर लेना है। इसमें हमने ये जीता है, इसमें डिस्काउंट कूपन है 400 रुपीज़ के, इसे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसे स्क्रैच कार्ड पे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट हमने जीत लिए हैं, जो वहाँ पे कैशबैक मैं आपको शुरू में दिखाया था जो, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ आप अपने मोबाइल फ़ोन को इससे रिचार्ज कर सकते हैं और उससे कैशबैक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पता लग गया होगा कि पेटीएम से आप अपने मोबाइल को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।